लेकर सरकार तक आवाज बचाने की गलत बात है। देखिए भारत गांधी का देश है, वो गांधी भी प्रदर्शन करके ही आगे आए थे, दे दी हमें आजादी बिना खड़े बिना ढाल, उन्होंने भी प्रदर्शन किया, अंग्रेज भगा दिए यहाँ से। तो प्रदर्शन करना डेमोक्रेसी में एक बहुत अपना हक है कि वो अपनी बात को रखें। डाइस पूरे होते तो आज ये सड़कें आंदोलनों से भरी ना होती, युवा आज बेरोजगार है और बेरोजगारी का स्तर जो है वो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा है, जो आंकड़े बताते हैं। आज जिस तरह से युवा, आपने देखा बॉर्डर बटालियन CRPF BSF के जवान आज सड़कों पे हैं, जिन्हें बॉर्डर पे होना चाहिए था। आज होमगार्ड्स इतनी पुरानी अपनी डिमांड लेके सड़कों पे हैं। जी क्या एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपका मेजबान शहजाद नाइक। जम्मू कश्मीर में लगातार सभी पार्टियां बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी हैं। जमीन सत्ता की अगर हम बात करें, ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ नम्रता शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि वुमेन विंग की प्रेसिडेंट भी हैं। मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया देने के लिए। जी मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से आने वाले समय में जो इलेक्शन की सोते हाल दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? सोते हाल तो पब्लिक तय करती है ना, जनता जनार्दन है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि लोग इस समय परेशान हैं, लोग सड़कों पे हैं, लोग अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सुने, और इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल गूंगी बरगंगी होके बैठी है, अभी कोई सुनने वाला नहीं है, जनता की आवाज सुने उसको एड्रेस करे ऐसा कोई इंसान दिखता नहीं है। तो लिहाजा चुनाव होना बहुत जरूरी है ताकि डेमोक्रेसी बहाल हो और एक चुने हुए नुमाइंदे लोगों के सामने आए, ताकि लोगों उन मुश्किलों से लोगों को निजात मिल सके। केंद्र सरकार ने बहुत ज्यादा दावे किए थे जम्मू कश्मीर में, हम बेरोजगारी खत्म करेंगे और महंगाई को खत्म करेंगे, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में वो सब जो वादे किए गए थे जनता के साथ पूरे नहीं किए गए? अगर वो वादे पूरे होते तो आज ये सड़कें आंदोलनों से भरी ना होती, युवा आज बेरोजगार है और बेरोजगारी का स्तर जो है वो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा है, जो आंकड़े बताते हैं। आज जिस तरह से युवा, आपने देखा बॉर्डर बटालियन CRPF BSF के जवान आज सड़कों पे हैं, जिन्हें बॉर्डर पे होना चाहिए था। आज होमगार्ड्स इतनी पुरानी अपनी डिमांड लेके सड़कों पे हैं, नर्सिंग स्टाफ सड़कों पे हैं, तमाम लोग आज सड़कों पे हैं, जिनको हमने कोविड वॉरियर्स का नाम दिया वो नर्सिंग स्टाफ आज सड़कों पे हैं। तो मुझे लगता आशा वर्कर्स सड़कों पे हैं, डेली वेजर्स कब से सड़कों पे हैं, जो रीढ़ की हड्डी है, जो यहाँ हमें पानी मुहैया कराने में, बिजली मुहैया कराने में, हर घर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करते हैं, वो सब सड़कों पे हैं। तो कहाँ से किस चीज को एड्रेस किया, मुश्किलें लोगों की बड़ी, जब से ये हमारा जो 370 यहाँ से तोड़ा गया, 35 से गया, मुसीबतें लोगों पे एक बरसात बन के आई जो अब जाने का नाम ही नहीं लेती है। बहुत जरूरी है यहाँ चुनाव हो, लोगों के नुमाइंदे चुन के आए और लोग अपनी ऐसा कोई विकल्प हो जो लोगों को नजर आए कि हाँ हम इस दरवाजे पे जा सकते हैं और इस शख्स को हम पकड़ सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं और यहाँ हमारी मजबूरियों का रिडेसल होगा। जम्मू को पहले जो है मंदिरों का शहर कहा जाता, कहीं ना कहीं प्रदर्शन का केंद्र कहा जाता है, आए दिन जो है वो सड़कों पर प्रोटेस्ट करता है, लेकिन वो प्रोटेस्ट करते ही रहते हैं क्योंकि कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। देखिए मंदिरों के शहर को आप मंदिरों का शहर ही रहने दीजिए, मैंने आपसे कल भी कहा था कि प्रदर्शन होना एक अलग बात है, लेकिन जम्मू मंदिरों के नाम से जाना जाता है और मंदिरों के नाम से जाना जाएगा, ये मंदिरों का शहर था, ये मंदिरों का शहर है और ये मंदिरों का शहर रहेगा। लेकिन जहां तक आपकी बात रही कि आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन इसीलिए होते हैं, ये जो लोग आज सड़कों पे उतरे हैं वो तभी उतरते हैं जब लोगों को लगता है कि हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। तो जो LG साहब आए हैं, मेरी आपके माध्यम से भी उनसे ये दरख्वास्त है कि अपने एडवाइजर्स जो उनके AC रूम्स में बैठे हैं उन्हें कहिए कि ग्राउंड टू ग्राउंड रियलिटी देखने का काम करें, वहां जो लोग इस समय बैठे हैं उन्हें चाहिए कि अपने लोगों की आवाज सुने, हमारे लोग यहाँ परेशान हैं तो हम कैसे आराम से बैठ सकते हैं। तो आंदोलन करने का किसी को शोक शोक नहीं होता, पुलिस से पिटने का किसी को शोक नहीं होता, अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के लोग उनको जो है हिरासत में लिया जाता है, उन पर लाठियां बांधी जाती है, क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना भी अधिकार करना प्रोटेस्ट करना भी अपनी मांगों को लेकर सरकार तक आवाज बचाने की गलत बात है? देखिए भारत गांधी का देश है, वो गांधी भी प्रदर्शन करके ही आगे आए थे, दे दी हमें आजादी बिना खड़े बिना ढाल, उन्होंने भी प्रदर्शन किया, अंग्रेज भगा दिए यहाँ से। तो प्रदर्शन करना डेमोक्रेसी में एक बहुत अपना हक है कि वो अपनी बात को रखें, डायसेंट की आवाज भी सुनी जानी चाहिए, यही तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें देती है। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि आज के समय में जो परिस्थितियां बनी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ परिस्थितियां बनाई हैं,
लोगों को प्रदर्शन करने ही क्यों पड़े? आपको जायज पाएंगे पता नहीं है? आज डेली वेजेस जिनको पिछली सरकारों ने लगाया क्योंकि उस समय जरूरत थी उनकी, आज भी नोट पे लोग लगाए जाते हैं क्योंकि जिस तरह से जरूरत पड़ती है लोगों को एनरोल किया जाता है, तब पक्के नहीं किए जाते क्योंकि उस टाइम का सिस्टम ऐसे अलाउ नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे उनकी एक टाइम बाउंड हो जाता है कि उन्होंने सर्विसेज दी हैं, उनको पक्का किया जाना चाहिए ताकि आज जो महंगाई का स्तर है, आप देखिए कि 210 का हम सरसों का तेल लेते हैं, 950 का सिलेंडर लेते हैं, कैसे एक गरीब आवाम गरीब जनता खाना खाएगी, बच्चे को पढ़ाएगी, अपने गरीब माँ बाप की तमीज जारी करेगी? तो इन तमाम परिस्थितियों से मुझे लगता है आज 100 रुपए का पेट्रोल डीजल डलवा के कैसे एक गरीब शख्स अपना घर चलाएगा? तो लिहाजा एलजी साहब को चाहिए कि ये जो हमारे डेली वेजर्स हैं, बाकी भी जो लोग हैं, उनकी जो जायज मांगे हैं उनको बहुत जल्द पूरा किया जाना चाहिए। केंद्र में बैठी सरकार अगर ये कहती है कि यहाँ एलजी है हमारी हुकूमत नहीं, तो बिल्कुल गलत है। प्रॉक्सी सरकार आज भी भाजपा द्वारा केंद्र से यहाँ चलाई जा रही, और अगर वो चाहें तो ये तमाम मुश्किलों के हल किए जा सकते हैं। आज देखिए ये रमजान का पावन महीना है, हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों के दिनों में यहाँ से हमें आश्वस्त किया गया था कि बिजली का कट बिल्कुल नहीं होगा, वहीं इस गर्मी में आज भी हमारे जम्मू के लोग 8 से 9 घंटे का बिजली का कट सह रहे हैं। ये कौन सी सरकार है, कैसी सरकार है जिससे जो धर्म के नाम पे लड़वाती जरूर है, क्या धर्म के नाम पे सहूलियत देना उसका फर्ज नहीं है? लिहाजा डेमोक्रेसी बहाल होना, एंड में फिर मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, बहुत जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, चुनने हुए नुमाइंदे सामने आए और लोगों की मुसीबतों का हल। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आपने कहा प्रदर्शन जो है बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आशा वर्कर्स की बात करें, पीएचई डेली वेजेस की बात करें, बीएसएफ से एसपी बात करें, अगर अपनी पार्टी सत्ता में आती है तो उनके लिए सबसे पहले क्या कदम उठाएगी अपनी पार्टी? देखिए हमने बार बार कहा है कि हम लोग युवा के लिए रोजगार की बात करेंगे, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, हम चाहेंगे कि नए एंटरप्रेन्योर्स बने हमारे लोग और उनके लिए किस तरह से जॉब अवेल किया कर सकते हैं। जम्मू में बहुत सारा पोटेंशियल है लोगों का, स्किल डेवलपमेंट के तहत भी बहुत सारे युवा को एनरोल किया जा सकता है। सरकारें चाहें तो क्या नहीं कर सकती, और हमारा यही रहेगा कि यूथ को कैसे एम्प्लॉयमेंट दी जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो बशिंदा है, जो लड़का है, वो शुरू से सरकारी नौकरी की तरफ देखता है, उसका रीजन है उसके पीछे, बिकॉज हमारी जो ये स्टेट है ये बिल्कुल एक अखीरी पड़ाव पे है और हम घिरे हुए हैं पाकिस्तान और चाइना जैसे दुश्मनों से। यहाँ पे लोग बच्चे का हमेशा से नजर सरकारी नौकरी की तरफ रही, क्योंकि यहाँ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री उस तरह से नहीं हो पाई जैसे देश के बाकी हिस्सों में हुई। तो यहाँ की सरकारों ने जो पिछली भी रही उन्होंने भी कोशिश की कि अपने टाइम पे लोगों को रोजगार दें, वही उसी तरह से उसी सतह पे हम कोशिश करेंगे कि हम पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराएं ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा रोजगार की तरफ बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थी वुमेन विंग की प्रेसिडेंट नम्रता शर्मा जी, जिन्होंने ये कहा कि अपनी पार्टी अगर सत्ता में आई तो हम जो है युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया करवाएंगे। हम आपको ऐसी और भी खबरों से अपडेट करते रहेंगे, आप देखते रहिए।